तो मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। अगेन तो हम ये थंब चेंज करते हैं सी पर, अब जी को चेंज करते हैं ए पर, और डी कॉर्ड, फिर ई पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह आप ये बजाओगे इस फर्स्ट सीक्वेंस। इसे अगर आप पूरी तरह बजाओगे तो ऐसे साउंड करेगा। ये जो लास्ट सीक्वेंस है इसमें भी आप अपने थंब को सी पर ले जाकर वापस बी पर लाओगे ऐसे। ओके, सो ये हुआ आपने कॉर्ड का पार्ट। अब इसके बाद आती है वो जो मुखड़ा जिसे कहते हैं, जिसमें मेरे रंग में, तो वो इस तरह है। इस पोर्शन में हम थंब को वापस इधर मूव करते हैं। ये हुआ आपने लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन। अब इसके बाद इसमें एक और है, वो जो पैराग्राफ होता बीच में, बोलो ना क्यों ये, सो वो भी शुरू होगा ई से, और डी पर आएंगे, सी 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 सी, वापस इस पैराग्राफ में। आप याद रखना हम पीछे की तरफ आते हैं तो ई डी और फिर सी पर आते हैं। इसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ जाते हैं, डी दबाएंगे, और ये ई कॉर्ड है, थंब मूवमेंट द ई ई ई। उसके बाद तो ये वो आपके लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस। अब मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि राइट हैंड कैसे बजाते हैं।